स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे रेफरेंस टैब में ये फुट नोट्स ग्रुप के बारे में। जैसा क्या है कि हमने पिछले वीडियो में टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में आपको बता दिया था, अब चलिए फुट नोट की बात करते हैं। फुट नोट क्या होता है, इसके लिए सबसे पहले कुछ पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी कमेंट करना हो, अगर मान लीजिए ये फुट नोट और एंड नोट होता क्या है, ध्यान से देखिएगा। ये दो पेज हम लिए हैं, ठीक है, कुछ और पेज हम बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये तीन पेज और तीनों पेज रहने देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये एक पेज में है अभी, ठीक है, एक पेज में है, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। ये फुट नोट क्या करता है कि अगर किसी भी वर्ड के बारे में आपको कमेंट करना है अगर, तो यहाँ पे ये ऐड होगा इसी पेज के लास्ट में। मतलब कि जिस पेज में हैं अगर किसी भी वर्ड के बारे में, मान लीजिए यूजिंग के बारे में मुझे कमेंट करना है, तो यूजिंग पे सेलेक्ट किए इंसर्ट फुट नोट करेंगे तो यही ही कमेंट करेगा इसी पेज के नीचे। अब मान लीजिए इसके बारे में कुछ लिख दिए, ठीक है, चलिए। और ऐसे ही अब चले यहाँ पे फॉर्मेट के बारे में सेलेक्ट किए फॉर्मेट को और यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट कर दें, दूसरा भी कमेंट हो गया। अब चले तीसरा कमेंट मोस्ट के बारे में किए और यहाँ से फुट नोट कर दिए इंसर्ट फुट नोट, इसके बारे में भी कमेंट हो गया, ठीक है। और ये चौथा कमेंट जो है ये टैग के बारे में सेलेक्ट किए, इसके बारे में भी हम कुछ लिख लिए, ठीक है। चलिए अब इतना तो लिख लिए हैं, अब ये है क्या फुट नोट। फुट नोट क्या आ रहा है, इसी पेज के एंड में आ रहा है, मतलब लास्ट में ये कमेंट शो हो रहा है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ से अगर नेक्स्ट करेंगे, ये नेक्स्ट फुट नोट करेंगे तो यहाँ पर नेक्स्ट फुट नोट आएगा, अगर प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस आएगा, यहीं पर जो नेक्स्ट प्रीवियस हो रहा है, देखिए ध्यान से, कर्जर कर्जर तीन नंबर पे, अगर करेंगे प्रीवियस तो दो नंबर पे चला गया, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट जाएगा। और ऐसे ही ये इंड नॉट और इंड नॉट पे ये काम करेगा। अब शो नोट्स करिएगा तो यहाँ पे शो नोट दिखा रहा है, एक यहाँ पे किए हैं ये मोस्ट, यहाँ पे रखिएगा तो इसके बारे में दिखाएगा, ये जो कमेंट किए हैं यहाँ पर जो लिखे हैं तीन नंबर के बारे में, यहाँ पर देखिए दिखा रहा है। ऐसे ही करिएगा शो नोट्स, फिर करिएगा यहाँ पर शो नोट्स, अगर नेक्स्ट कर दीजिए अब उसके बाद शो करिए, यहाँ पे शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसी पेज के बारे में कोई वर्ड के बारे में आपको कमेंट करना है तो यहाँ पे कर सकते हैं, इसका बेसिकली कुछ खास काम नहीं है, यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये इंड नोट क्या करता है, अगर मान लीजिए इसी में कोई एक ऑन के सेलेक्ट किए और यहाँ से इंड नोट कर दिए, सबसे पेज के लास्ट में इसके बारे में शो होता है, मतलब सबसे लास्ट में जो होगा यहाँ पर, फिर इसके बारे में किए इंड नोट। आप देखिए इसके बारे में भी आप कर सकते हैं, यहाँ पर अगर मान लीजिए इसके ही बारे में आप सेलेक्ट किए और यहाँ से कर दिए क्या इंड नोट, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ये भी अगर इसको सेलेक्ट किए और इंड नोट कर दिए, यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे इंड नोट क्या करता है, सबसे लास्ट में आएगा, किसी के बारे में कमेंट करेगा तो पेज के सबसे लास्ट में, किसी के खास वर्ड के बारे में आपको कमेंट करना है इसका यूज करते हैं। शो नोट्स करिएगा तो ये आपसे पूछेगा फुट नोट एरिया की इंड नोट, इंड नोट पे क्लिक करिए, इंड नोट पे चलिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रीवियस तो पता चल ही गया, अगर आपको यहाँ पे देखना है चार नंबर पे हमने क्या किया तो यहाँ पे दिखेगा, जो लिखे होंगे ये चार नंबर पर यही सब दिखेगा, यहाँ पर रखिएगा तो, ठीक है। देखिए अब चलिए ये इंड नोट फुट नोट आपको समझ में आ गया, अब चलते हैं इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। इसको आपको सेलेक्ट करके यहाँ से क्या करना होता है, यहाँ से बैक स्पेस से काटना होता है, ठीक है। चलिए यहाँ पे काट सकते हैं आप, इसको डिलीट कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। अब देखिए यहाँ पे है ये क्या है, साइटेशन एंड बिबलियोग्राफी। यहाँ पे साइटेशन क्या होता है कि अगर कोई बुक हम लिख रहे हैं, मान लीजिए कोई भी बुक लिख रहे हैं, तो उसके बारे में मुझे बताना पड़ता है कि उसका ऑथर कौन है, उसका टाइटल क्या है, हम किस ईयर में पब्लिश कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बतानी पड़ती है आपको, तो ठीक है। यहाँ पे आप इंसर्ट साइटेशन करिएगा तो ये कह रहा है ऐड ए न्यू सोर्स, आपको पहले ऐड ए न्यू सोर्स करना होगा, न्यू सोर्स करिएगा क्लिक, तो यहाँ पर आ गया आपका क्या आ गया, यहाँ पर टाइप ऑफ सोर्स। टाइप ऑफ सोर्स क्या होता है, देखिए ध्यान से ये एक एक ऑप्शन समझिएगा। टाइप ऑफ सोर्स वो होता है कि हमें मतलब अगर बुक लिख रहे हैं तो यहाँ से हमको बताना होगा कि हम बुक लिख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा, देखिए बुक सेक्शन लिख रहे हैं या रिपोर्ट बना रहे हैं, रिपोर्ट पे क्लिक करिएगा तो कुछ और टाइटल होगा यहाँ पे, और वेबसाइट पे क्लिक करिएगा तो कुछ और टाइटल होगा इसका। तो चलिए यहाँ पर ऐसे ही आगे जाइए, कैश में करिएगा तो कैश में कुछ और होगा,
यहाँ पे फिल्म में करिएगा तो फिल्म में टाइटल पूछेगा कि फिल्म का टाइटल क्या है और डायरेक्टर और ईयर, ठीक है, यहाँ पे ये पूछता है। अगर ऐसे ही हम चलते हैं परफॉर्मेंस वगैरह साउंड रिकॉर्डिंग करिएगा तो साउंड रिकॉर्डिंग में भी कंप्रेसर कंडक्टर परफॉर्मर कौन कौन है यहाँ पे पूछता है। हम चलिए सिंपली बुक पे देखते हैं, बुक को क्लिक करिए, आप बुक के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से ऑथर कौन है, मान लीजिए कोई भी ऑथर का आप नाम लिख सकते हैं, मान लीजिए एस हुसैन, ठीक। अब यहाँ पे टाइटल क्या है, बुक का टाइटल है एमएस वर्ड, ठीक। ईयर क्या है, यहाँ से ईयर है मान लीजिए 2021, और सिटी क्या है, आप यहाँ से सिटी दे सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं पब्लिशर कौन है, पब्लिशर का मतलब यहाँ पे पब्लिशर किसके द्वारा किया जा रहा है, कोई भी एक स्टूडियो का नाम दे दीजिए जहाँ से पब्लिश किया जा रहा है। वहाँ पे मान लीजिए हम कर रहे हैं दिल्ली, दिल्ली से पब्लिश कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए दिल्ली, ठीक है। और यहाँ से आप इसको ओके कर दीजिए, तो देखिए एक एड ए न्यू सोर्स बन गया, एंटर कर देते हैं। यहाँ से इसका मतलब है हुसैन 2021 शॉर्ट में दिखा रहा है, जैसे केसी सिन्हा, उसको नाम तो दिया जाता होगा पूरा, लेकिन वो शॉर्ट में दिखा देता है केसी सिन्हा आर एस अग्रवाल, ऐसे करके आता है ना, इसका मतलब हुसैन 2021 आया मेरा यहीं पे, ये सही है। यहाँ पे अगर एंटर करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एंटर करते हैं और यहाँ पे हम लाना चाहते हैं बिब्लियोग्राफी, और इसको क्लिक कर देंगे तो देखिए बिब्लियोग्राफी आ गया है और हुसैन एस 2021 में एमएस वर्ड लखनऊ दिल्ली से पब्लिश किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका स्टाइल बदलेगा, देखिए इसका जो लिखावट का स्टाइल यहाँ पे बदलेगा, ठीक है, ठीक है, यही हो रहा है। अगर यहीं पे हम कर देंगे माइनस सोर्स, माइनस सोर्स पे क्लिक करेगा तो इसमें कुछ एडिट करना है, आप देख सकते हैं इसमें कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं, फिर से कुछ लिखना हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको कॉपी करना है कॉपी कर सकते हैं, डिलीट करना है डिलीट, और फिर न्यू करिएगा तो फिर एक न्यू एड सोर्स करने लगेगा। चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं, अब न्यू करिएगा तो फिर ये ऐसे आपसे पूछने लगेगा। सेम यही काम है, इसमें यही किया जाता है कि बुक लिखने से पहले उसको हमें निर्देश दिया जाता है ये बिब्लियोग्राफी में कि कौन राइटर है और ऑथर कौन है और यहाँ पे कहाँ से पब्लिश किया जा रहा है, किस दिन पब्लिश किया जा रहा है, ये होता है। तो चलिए इसको तो हम जान ही गए, और यहाँ से आसानी से आप इसको डिलीट कर दीजिए। और देखिए इंसर्ट ये कैप्शन क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम कुछ वर्ड लिख लेते हैं पहले, अगर कुछ वर्ड लिखे हैं तो यहाँ पे कुछ पिक्चर ला लेते हैं। पिक्चर यहाँ पे क्या है, कर्जर जहाँ रहेगा पिक्चर वहीं आएगा, ये तो बात पता है। इंसर्ट में चलते हैं, इस पिक्चर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं, यही वाला पिक्चर को इंसर्ट करेंगे तो ये बहुत बड़ा आएगा, लेकिन इसको रैप टेस्ट से जाकर थ्रू कर देंगे, ये बात आपको कई बार बताया गया है, और इसको यहाँ पर ला कर रख देंगे और यहाँ पर छोटा सा कर देंगे। तो देखिए इस पिक्चर को जैसे आप बुक में देखे होंगे, अगर आपसे बोला जाता है कि आप फिगर नंबर 3 बना लीजिए या फिगर नंबर 4 बना लीजिए या फिगर नंबर 1 आपको बनाना है, तो ऐसे बोला जाता है कि फिगर नंबर 1 बना लीजिए, तो क्या ये पिक्चर ला कर रख दिए हैं, तो क्या इसका फिगर 1 पहले यही पिक्चर आया है, तो ये फिगर 1 तो होना चाहिए, तो फिगर 1 इसको हम लिखेंगे, लेकिन ये नहीं कि आप पिक्चर ले लिया है यहाँ पे नीचे लिख दिए फिगर 1, ऐसे नहीं होता है। इसको क्लिक करिए और रेफरेंस टैब में जाइएगा तो यहाँ से इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करिएगा तो ये पूछेगा आपका फिगर है या टेबल है या इक्वेशन है, फिलहाल फिगर है तो फिगर पे क्लिक करके ये बोलिएगा फिगर 1 क्या है, ये पेप्सी है, पेप्सी लिख दीजिए यहाँ पे पेप्सी, ठीक। अब यहाँ से क्या कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, ये फिगर 1 शो होने लगा। ऐसे ही चल के यहाँ पे हम एक नया पिक्चर फिर ले लिए, इंसर्ट टैब में कोई और पिक्चर ले लीजिए, यहाँ से आप चैनल का पिक्चर ले लीजिए, इंसर्ट करिएगा फिर वेरे टेस्ट में जाके थ्रू करिएगा तो ये फिर छोटा करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे ये भाग कहाँ गया, यहाँ पे है थ्रू किए हैं, इसका बैकग्राउंड रिमूव है इसलिए ऐसा आ रहा है, अगर थ्रू करते हैं इसका बैकग्राउंड ऑलरेडी रिमूव है इसलिए आपको पीछे का वर्ड दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं, ये पिक्चर क्या है, ये हम फिगर 2 बना लेते हैं, इसको रेफरेंस टैब में जाकर इंसर्ट के साइटेशन से जाकर फिगर 2 ये क्या है, चैनल है, चैनल है, ठीक, और ओके कर दीजिए, ये फिगर 2 चैनल है। यहीं पे हम आते हैं, एक और फिगर लेंगे बहुत ही जानदार, इंसर्ट कैप्शन में जाकर, सॉरी पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से कोई और पिक्चर ले लेंगे, यही वाला ले लेंगे 2 लिखा है जो, इसको क्या करेंगे वो रैप टेक्स्ट से थ्रू करेंगे और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, जैसे ही छोटा करेंगे वो अपने जगह पर पहुंच जाएगा, और यहाँ से थोड़ा सा हम इसको डाउन कर देंगे, ठीक है, डाउन करिएगा थोड़ा सा,
और यहाँ पे इसको क्या बनाना होगा, यहाँ से रिफरेंस टैब में जाकर पिक्चर पे जैसे क्लिक करेगा तो फिगर थ्री ऑटोमेटिक ले लेगा, और ये क्या है लोगो नाम से फिगर, ठीक है ओके कर दीजिए फिगर थ्री। और ये दूसरे पेज में, तीसरे पेज में, सॉरी ये दूसरा पेज है, दूसरा ही पेज है, दूसरा पेज में आइएगा तो इसमें भी कोई पिक्चर आपको लेना पड़ेगा, क्लिप आर्ट से भी ले लीजिए, क्लिप आर्ट सब में नहीं मिलता, यही मान लीजिए ये वाला ले लिए, तो यहाँ से पोजीशन वगैरह प्रेस्टर थ्रू करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि इसका पोजीशन बदलना है पिक्चर का। यहाँ पे रखेंगे और फिर रिफरेंस में जाएंगे, इंसर्ट का ऑप्शन में करेंगे, ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि ये क्या है, फिगर फोर है कंप्यूटर, ओके कर दी। ऐसे ही आप बहुत सारा फिगर ले सकते हैं, जिसके कुछ लिखे हैं उसका फिगर शो कराना है तो आप बहुत सारा फिगर यहाँ से शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी कामें कर सकते हैं, हम तो फिलहाल इतना ही फिगर लिए हैं। चलिए अब यहाँ से एक टेबल बनाने के लिए यहाँ से पेज ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि एक मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, तो यहाँ से ब्लैंक पेज या कवर पेज ब्रेक कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं। और देखिए जितना सारा पिक्चर लिए हैं इसको क्लोज कर देते हैं, जितना सारा पिक्चर लिए हैं यहाँ पे मुझे इंसर्ट कराना है टेबल के रूप में, टेबल ऑफ कंटेंट की तरह लाना है। टेबल ऑफ कंटेंट वाला नहीं देखे हैं वीडियो तो देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से क्या करिएगा, ये अपडेट इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे ऑटोमेटिक वो समझ जाएगा कि आपने फिगर लिया है, और ओके करिएगा तो देखिए फिगर वन पे क्या है, पेप्सी का है, वो दो नंबर पेज में, क्योंकि एक सबसे ऊपर वाले पेज में ले लिए हैं तो ये एक हो गया और इसके नीचे दो हो गया ये पेज, ठीक है। तो ये देख सकते हैं दो नंबर में, एक तीन नंबर में क्या है कंप्यूटर का है सिर्फ। अगर मान लीजिए कोई हम और ऐड कर दें, यहाँ पे गए इंसर्ट टैब में गए और यहाँ से कोई सेप ही बना लिए, कोई भी सेप बना लीजिए, मान लीजिए इसको भी आप क्या बोले रिफरेंस टैब में गए और यहाँ से इंसर्ट साइटेशन में फिगर फाइव दे दिए स्टार ओके कर दिए, क्या ये आ गया होगा, नहीं आया होगा उसमें, क्यों नहीं आया है, उसके लिए इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जाइए, पहले क्लिक करके इना कि बिना क्लिक किए यहाँ पर जा रहे हैं तो ये हाईलाइट नहीं होगा, अपडेट टेबल करना है, अपडेट टेबल क्लिक करिएगा, अपडेट इंटायर टेबल करिएगा, ये और ऐड हो गया पाँचवा नंबर। तो आप देख सकते हैं ये सब था इंसर्ट कैप्शन के, ठीक है। ये क्या है कि कैप्शन ग्रुप का है ये सारा, ये क्रॉस रेफरेंस के लिए एक स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, ठीक है, क्रॉस रेफरेंस होता क्या है आप समझ जाएंगे खुद। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और आगे के वीडियो में ये क्रॉस रेफरेंस और ये सारी चीज़ें बता दी जाएगी आपको, और रेफरेंस टैब भी ख़त्म और फिर मेलिंग टैब की तरफ बढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।